नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला विरोचि वीरेंद्र कुमार। शैलेश कुमार चेयरमैन प्रत्याशी झाझा नगर परिषद चला रहे जनसंपर्क अभियान। कई लोगों से मिलकर मांगा आशीर्वाद, मांग रहे हैं समर्थन कि अगर मुझे जिताते हैं तो मैं झाझा को बदल कर रख दूंगा। देखिए हमारी खास मुलाकात शैलेश कुमार के साथ। सर, जिस तरह चुनावी प्रचार में लोगों से मिलजुल पा रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है सर? परिवर्तन की लहर है, हमसे अधिक उत्साहित हमारी सम्मानित जनता है। लग रहा है कि कब 9 जून आ जाए। बहुत गर्मजोशी से मेरा स्वागत हो रहा है पूरे टीम का, और ये दर्शाता है कि आज़ादी के बाद पहली बार जो एक मौका मिला है लोगों का, उस मौके का लोग भरपूर उपयोग करना चाहते हैं नगर परिषद झाझा के मान सम्मान और विकास के लिए। और ये एक शुभ संकेत है। और सर, जिस तरह आप लगातार सर लोगों से संपर्क साध रहे हैं, लोगों को विश्वास दिला रहे हैं, लोगों का दिल जीत रहे हैं, सर क्या कुछ लग रहा है अगर आप चेयरमैन बनेंगे तो? इस तरह आपने कई बातें बताई हमारे साथ, कई टीम के साथ, तो क्या कुछ लग रहा है आपको? सबसे पहले जो भी योजनाएं होंगी, जो भी जनहित की योजनाएं होंगी, खास करके जो हमारे युवा हैं, जो विद्यार्थी हैं और जो महिलाएं हैं, उनके हित संबंधित जो भी योजनाएं होंगी या बनाई जाएंगी, उन योजनाओं पारदर्शिता के तहत उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। मैं चाहूँगा कि उसको धरातल पर लाऊं, ताकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और वो कुछ उपार्जन करें, ताकि अपने बाल बच्चों को वो रख सकें। अभी क्या हो रहा है, अभी चुनाव में क्या हो रहा है, लोग खरीदने के लिए तैयार है, वो मर्द खरीदाते हैं। हमारी महिलाएं बहुत सम्मानित हैं, वो कुछ कुछ दे के लोग ऑब्लाइज कर लेता है, लेकिन उसका लाभ क्या मिलता है? और एक गंदी परंपरा फैल रही है। सर, आपका युवा का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है, क्या युवा को क्या देकर आपने? पहले युवाओं के लिए हमारा एक जो मैनिफेस्टो है, मैं एक लाइब्रेरी बनाऊंगा और हमारे युवाओं को एक खेल कूद का कोई अस्थायी जगह नहीं है। एक रेलवे का फील्ड था, वो भी इंक्रोच हो चुका है। यहाँ के कुछ संपन्न लोगों के देख रेख में उसका एक इंक्रोचमेंट हो चुका है। तो मैं चाहूँगा कि एक बढ़िया खेल कूद का हो, लाइब्रेरी हो, और हमारी जो बच्चियाँ हैं वो स्वच्छंद वातावरण में उनका आवागमन हो, उनके लिए एक अनुकूल माहौल बने। जी, अभी तक कितने वार्डों में जनसंपर्क अभियान चला? अभी तक हम 12 वार्ड में जनसंपर्क कर चुके हैं। क्या अपील करेंगे सर हमारे चैनल के माध्यम से? जनता से अपील करेंगे, जब वोट देने वक्त वो अपने दिल पर हाथ रखें स्थिरता से, बिना कोई जात जमात जज्बात में बहे हुए, बिना कोई भाई के वो अपना कीमती मतदान दें, जहाँ उचित समझे दें, एक शिक्षित लोगों को दें, एक साफ सुथरे लोगों को दें। मौका तो बहुतों को दिया है, नए लोगों में जो अनुभवी हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं और जो वर्षों वर्षों अपने प्रशासनिक खेमे से जुड़े हुए हैं, वैसे लोगों को प्राथमिकता दें, यही मेरा गुजारिश है, यही मेरा अपील है। सर, आपको चुनाव चिन्ह बताएं। मेरा चुनाव चिन्ह है चारपाई। क्रम संख्या कितना है? क्रम संख्या 10। हमारी बहुत सारी माँ बहनें बीड़ी बनाती हैं नगर परिषद के क्षेत्र में, आखिर कब तक वो चलते रहेगा? पूरा हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, उनको कब आज़ादी मिलेगी? आज तक कोई नहीं सोचा उसके बारे में। अभी आप चले जाइए बैजलपुरा, नहीं लगता है कोई नगर परिषद झाझा के अंग है। इतनी गरीबी है, इतनी अज्ञानता है, और अगर तबीयत खराब होती है बच्चों का या किसी का, तो वो ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया जाता है। कोई दुकान है, दवा दुकान, वही उनका डॉक्टर है, वही उनका दुकानदार है। ये सारी परिस्थितियां सर, अगर कमी कारण भी है, कहीं ना कहीं सारी परिस्थितियों से आप अवगत हैं कि लगता है अगर चेयरमैन बन गए सारी परिस्थितियों को दूर ठीक करेंगे? निश्चित निश्चित ये करना चाहिए, और ये जरूरत है। हम चाहते हैं कि एक मौका दे हमको, हम निश्चित करेंगे। हमारे ओम प्रकाश बाबू को पूरा जन सैलाब जो इनके साथ है, कई लोगों का समर्थन प्राप्त है, तो क्या कुछ लग रहा है आपको? निश्चित रूप से शैलेश जी जीतेंगे और झाझा में परिवर्तन होगा, विकास होगा। हम आज भी अपील करते हैं विकास के लिए शैलेश कुमार को अवश्य जिताएं। हम जन समुदाय को अपील करते हैं जिसमें समता, समानता, सद्भावना का भाव हो, जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, जिससे यहाँ का कल्याण होगा। अब तक झाझा का विकास नहीं हुआ, विकास होगा, ये पक्का है, शैलेश जी के द्वारा होगा।